नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे कन्हैया कुमार से। जी हां, क्यों कन्हैया कुमार इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और कन्हैया कुमार के चर्चाओं में आने की वजह क्या है, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या अगर कांग्रेस पार्टी की हालत को सुधारना है तो जो भी नेता अब बचे हुए हैं, युवाओं का खास तौर पर बात करें तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जैसे कि सचिन पायलट राजस्थान में इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलेगा। हालांकि अभी तो मुख्यमंत्री पद मिलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर नहीं मिल पाता है या गहलोत को राजस्थान में आगे बढ़ाया जाता तो एक और चेहरा कांग्रेस से अलग होता नजर आएगा। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अब उन्हें प्रवक्ता की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए कि नेताओं को अब आगे धीरे धीरे ना सिर्फ मोटिवेट करना होगा बल्कि उनका प्रमोशन धीरे धीरे करना होगा। कांग्रेस पार्टी में नेताओं का धीरे धीरे प्रमोशन होता रहा तो शायद इससे पार्टी की हालत सुधर सकती है। कन्हैया कुमार का जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि कन्हैया कुमार पर सबसे ज़्यादा भरोसा राहुल और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ये मान रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक बदलाव देखने को मिल सकता है, बहुत बड़े हद तक चीज़ें जो हैं वो बदलती नजर आएंगी। तो सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई आने वाले समय के अंदर जो हालात जो स्थिति बनी हुई है क्या वो ये नहीं बताती कि कांग्रेस पार्टी को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। अपग्रेड होने के साथ साथ नीतियाँ रणनीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि G23 के जो नेता थे वो बार बार यही कह रहे थे कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए, लेकिन पार्टी में बदलाव कुछ दिखा नहीं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में अगर कांग्रेस के अंदर नेताओं को पद नहीं मिलता है या उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता तो क्या हालत और ख़राब होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।